तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सारे मटर को हम छील दिए हैं और छीलते हैं और इधर इस सब को। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों हम सुबह सुबह अभी हम लोग कहाँ हैं और एकदम बहुत ज़्यादा कुहासा है। देखिए बहुत ज़्यादा कुहासा है और हम यहाँ पे मिट्टी लेने आए हैं, बोर की मिट्टी चूल्हा निपने के लिए और तसली और कढ़ाई में लेप लगाने के लिए। तो हम यहीं से बोर की मिट्टी ले जाते हैं और देखिए चिकू भी साथ में चली आई है और एक खुरपा से कोरे हैं मिट्टी को। तो अभी हम चलते हैं चूल्हा निपने अपने आंगन में। देखिए आंगन और अभी साफ़ सुथरा कर गए थे मिट्टी लाने के लिए। देखिए पूरा आंगन साफ़ कर दिए हैं, झाड़ू लगा दिए हैं और किचन भी साफ कर दिए हैं। ये देखिए बस चूल्हा निकला है तो मिट्टी तो ले आए और चलते फटाफट से पानी लाने चूल्हा निपने के लिए। और उधर चिकू आ रही है। खुरपा कहाँ रखी चिकू? खुरपा है चिकू उधर ही खुरपा छोड़ दी और फिर से जा रही है लाने। और विराट अभी सोया हुआ है। चलिए आप सभी को दिखा देते हैं विराट को। ये विराट देखिए सोया हुआ है, कितने अच्छा से सोया हुआ है विराट। तो अभी विराट सोया हुआ है तो हम अभी फटाफट से सारे काम को घर में दिए लग जाते हैं। देखिए इसे कीड़ा बोलते हैं। दोस्तों हम मिट्टी फुला लिए हैं देखिए कटोरा में और मिट्टी निपते हैं। तो देखिए मेरा चूल्हा गंदा भी हो रहा है, इसे फटाफट से निप ले। तो यहाँ पे गुड़िया जी चूल्हे की निपाई पोताई कर दिए हैं और आज दोस्तों हम लोग बनाने वाले हैं बिहारी दोस्तों मटर की झोर। बहुत लोग दोस्तों नहीं खाए होंगे, बहुत लोग खाए होंगे। तो दोस्तों किस तरह से बनाते हैं आप लोग इस ब्लॉग में देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और छीलेंगे उसके बाद पानी में उबालेंगे उसके बाद झोर बनाया जाएगा, है ना। अभी दोस्तों हम लोग फटाफट से मटर को छील लेते हैं, उसके बाद दोस्तों उबालेंगे और उसके बाद पीसे जाएंगे और दोस्तों हम ही पीसे कर लाएंगे और उसके बाद मटर झोर बनाए जाएंगे। तो आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी तो चावल चढ़ा दिए, चिकू भी चली आई, चिकू भी छिलने के लिए आ गई है और चिकू दांत से छिलेगी, दांत से, दांत से चिकू छिलती है। तो चलिए अभी फटाफट से छिलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। और दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि रोजी के बच्चे कैसे हैं, तो आप सभी को बता देता हूँ रोजी के बच्चे थोड़ा बड़ा हो गए तो उनको हम दे दिए जहाँ से हम लाए थे रैबिट, वहाँ हम जा करके दे दिए। तो चलिए अच्छा है, बड़े बड़े हैं, बड़े है। इसे छेमी भी बोलते हैं ना गुड़िया जी, तो बड़े बड़े दाने हैं। तो अभी फटाफट से हम देखिए चिकू किस तरह से छिल रही है। ये देखिए तुम्हें नहीं मिलेगा खाने के लिए चिकू, खाओगे झोर मटर झोर खाएगी चिकू। चलिए फटाफट से झोर, जूता जल गया तो देखिए फटा हुआ, चप्पल पहनी हुई है, सॉक्स पहनी हुई है। सारे मटर को हम छील दिए हैं और छीलते छीलते ना इनको हंसी आ रही थी किसी बात को लेकर के तो हंस रहे थे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इतना सारा मटर है जो कि निकला है और छिलका देखिए। और इसे अभी उबालेंगे, पानी से साफ करने के बाद उबालेंगे और उसके बाद पीसा जाएगा। हटो चिकू, छोड़ो, छोड़ दो चिकू, चिकू ही साफ करिए, हटो छोड़ो ये मना कर रहे हैं फिर भी धो रहे हैं। चलिए जरा छोड़ दो, चिकू पूरा साफ कर रही है, छोड़ दो अभी से उबालेंगे उसके बाद बनेंगे चिकू, छोड़ दो, हटो छोड़ दो ना, छोड़ो छोड़ो। मेरे को नाचने का मन कर रहा है, देखिए बहुत 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 दो दिन बाद धूप उग रहे हैं और इतने ज्यादा ठंडे थे और मेरा घर तो आप सभी को पता है कि ये एकांत में है और इधर बहुत ज्यादा हवा लगते हैं, बहुत धूप उग गए, बहुत ज्यादा खुश हो कि आप धूप उगे, मन कर रहा है कि डांस करूं, दिखाते हैं आप सभी को, दिखाते हैं। दोस्तों अभी आंगन में आ चुके हैं और देखिए अभी धूप निकले हुए, आप सभी सूर्य भगवान पहले धूप आते हैं, ये देखिए धूप उग गए हैं आज दम मस्त, अच्छा व्यू आ रहा है एक तरह से, सूर्य भगवान उगे हुए हैं और वहाँ पे चीकू है। क्या कर रही हो, आओ जल्दी देंगे और उबालने के बाद दोस्तों इसकी पिसाई होगी। तो अभी दोस्तों थोड़ा वेट करेंगे हम लोग, लोरी और सिलौटी हम लोग बोलते हैं, लोरी सिलौटी पे पीसा जाएगा क्योंकि हमारे पास मिक्सर मशीन है नहीं कि मिक्सर मशीन में डाल करके पीस दे। तो चलिए अभी इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, मतलब उबलने देते हैं और उबलने के बाद इसे पीसेंगे। उसके पीस जग गया है और ये टाइम से सोता है और टाइम से उठेगा, तो आज चार घंटा नहीं सोया है, आज दो घंटा सोया है। अच्छी को विराट को भी देखने दो, और अभी ये उबल रहे हैं तब तक वेट करेंगे और उसके बाद उबल जाएंगे ना अच्छे से।
हम पिसाई करेंगे और मेरे को ही पिसाई करनी है। क्या खाओगे आज? खाओगे अभी अभी सो करके उठा। ब्रश करोगे? ब्रश करोगे? चीकू ब्रश करती है तुम? ये दातुन करेगी, चीकू दातुन करती है। विराट कुछ भी नहीं करेगा, सुबह सुबह उठेगा ये 4 बजे, 4 बजे से पहले ही उठ जाएगा और अकेले खेलते रहता है उठ करके ना गुड़िया। और ये देखिए बल रहे हैं धीरे धीरे। बउआ बउआ नहीं है, विराट है, विराट है, विराट 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 नाम है, छोड़ दो। छोटा सा परिवार है, एक इधर विराट है, इधर गुड़िया जी, इधर चीकू। ज्यादा ठंडे आज लग रहे हैं, फिर भी धूप उगने के बाद भी ना विराट। हाँ। लग रहा है तुम्हें? हवा चल रही। तुम्हें ठंडा लग रहा है जी? तुम्हें ठंड लग रहा है विराट? तबीयत खराब हो गया था, इसका मुंह सूख गया ना गुड़िया जी। हाँ। और गुड़िया जी का भी ठंडी से। तो मटर उबल रहे हैं और इसकी पिसाई करने के लिए हम जा रहे हैं सिलौट लाने के लिए। और आग देखिए कितना तेज से लहक रहे हैं, यही फायदा है चूल्हे पर बनाने के। जल जाएगा, मजाक मत करिए, जल जाएगा। मैं आपको मम्मी पापा को सब पे केस कर दूंगा, उनकी बेटी है जो कि हमें जला दी है। नीचे को तुम्हारे मम्मी पे मैं केस कर दूंगा। चलिए उबलने तक वेट करते हैं। उबल गया, हो गया, हो गया। हाँ। दोस्तों अभी हम लिए आए हैं लोढ़ी सिलौट, हम लोग बोलते हैं। तो अभी इसी पे पिसाई करेंगे और हमको लाते लाते दम हालत पंचर हो गया, क्योंकि खाना खाए नहीं है। उसके बाद लाए हैं, थोड़ा दूर पड़ता है, लाने गए थे जहाँ से, मामी के यहाँ से लाए हैं। तो चलिए अभी इसे फटाफट से धोएंगे और उधर आप सभी को दिखाता हूँ बने हैं कि नहीं। ये तो रेडी हो गया, इधर देखिए मटर है जो कि उबल कर रेडी हो गया। तो अभी फटाफट से निकालिए और उसके बाद पीसेंगे, हम ही पीसेंगे। गुड़िया जी को मतलब नहीं पीसना है, क्योंकि जो सब सभी को पता है कि गुड़िया जी को बेबी हुआ है विराट, तो बड़ा ऑपरेशन से, और चीकू भी, दोनों बड़ा ऑपरेशन से हुए हैं। तो फिलहाल हाल ही में हुए, कितना दिन हुआ गुड़िया? 4 महीना। तो इसलिए मतलब इनको प्रेशर नहीं देना है अपने पेट पे, कम से कम 6 महीना। तो चलते हम ही पीसेंगे। और मटर सीज गए हैं, देखिए पूरे मटर है जो कि अच्छे से उबल गए हैं। और इधर देखिए चीकू कैसे मुंह कर लिए, दूध खा कर, जो पाउडर वाला दूध होते है ना उसे खा कर कैसे कर लिया। चलिए फटाफट से इसकी पिसाई करते हैं, उसके बाद फटाफट से बनाते हैं, भूख भी जोड़ों की लगी हुई है। जाइए पीसिए और हम इधर प्याज टमाटर सब धनिया पत्ता काट लेते हैं। हाँ तो चलिए लाइए लाइए, हम पीसते हैं। दोस्तों अभी हम सिलौट को धोएंगे और उसके बाद पिसाई होंगे। गुड़िया जी मेरे को ये बोले हैं कि पीसिए और उसके बाद बनाएंगे। गुड़िया जी ज्यादा मेहनत गुड़िया जी को ही करना है। चलिए कोई बात नहीं, आपको तो बस पीसना है, पीसना है और हम सहयोग देते तो आप लोग कमेंट कर बताइए हम सहयोग करते हैं या नहीं। तो चलिए अभी फटाफट से धो लिए और सिलो, ये देखिए लोड़ी है जो टूटा हुआ है, फिर भी क्या करें, जैसा रहेगा उसी में काम करना है, उतना से ही संतुष्ट हो जाना है। मेरे पास ये लोड़ी है, बहुत लोगों के पास ये लोड़ी भी नहीं है। चलिए अभी हम पीसते हैं। विराट के पापा जी मटर को पीसेंगे, सिलौट पर रख रहे हैं कटोरा। मजा आएगा पीसने में, मजा। हाँ पिसने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जल्दी ही पिसा जाते हैं उनके पापा जी। मटर की देखिए किस तरह से दबा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। हमें पिसना रहता तो हम ही पिस लेते हैं। आपको जल्दी पिसा जाएंगे, आपको बोलते भी नहीं, बहुत जल्दी पिसा जाएंगे। हाँ बहुत जल्दी हो जाएंगे। और इधर खाट है दोस्तों, जो चीकू के पापा जी ही तोड़ दिए हैं, यार को लेकर बैठे थे और ये किधर से तो आए और बैठे तो टूट गया। और इधर अभी पिसाई कर, देखिए तुरंत तुरंत कितना कैसा? जल्दी मेहन हो गया। यहाँ हम थाली और इसमें रखिए जल्दी फट से। दोस्तों हमने पीसे तो पता चला कि ज़्यादा भार नहीं पड़ रहे हैं, तो मैंने गुड़िया जी से बोला कि आप भी पीस लो, आपको पीसने का मन कर रहा है तो अच्छा लग रहा है। ज्यादा भार नहीं पड़ रहे हैं दोस्तों, ज्यादा भार नहीं पड़ रहे हैं, बस थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करिए। अब बस पिसा जा रहे हैं तो हम पीस लिए, उसके बाद बोले गुड़िया जी को कि आप भी पीस लीजिए। और उसके बाद दोस्तों पिसाने के बाद स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, ऐसे तो स्टेप बाय स्टेप ही बना रहे हैं, सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है बनाने का। और आप लोग देखिए कि हम लोग कैसे बना रहे हैं। और आज तो धूप निकला हुआ है तो इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही अभी आप सभी को बताऊँगा, इतना ज़्यादा खुश हैं धूप निकलने के बाद। क्योंकि अब बहुत लोगों के पास गुड़िया जी चादर नहीं होते ओढ़ने के लिए, उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा इस मतलब ठंड में, बहुत ज़्यादा होते होंगे। हम लोग के तो पास है, फिर भी हम लोग इतना मतलब कर रहे हैं, किन्हीं के पास नहीं है, उन लोगों के लिए मैं जब थोड़ा सा सोचता हूँ। दो दिन से एकदम ही धूप नहीं उग रहे हैं। तो अभी हम लहसुन को भी पीस लेते हैं और लहसुन इसी से पीसेंगे।
चलिए फटाफट से अब पीसते हैं। तो अभी हम मसाला पीस लिए हैं और अभी प्याज काटेंगे और उसके बाद देखिए मसाला इसमें रख दिए और वहाँ पे क्योंकि मटर है जो कि उसे पीस दिए थे। तो फटाफट से प्याज काटिए गुड़िया और उसके बाद बनाते हैं। और टमाटर और धनिया का पत्ता और सरसों चाहिए थोड़ा, है सरसों? हाँ नहीं है तो प्याज ही डाल करके बनाएंगे। ऐसे तो सरसों रहता तो और बेस्ट रहते क्योंकि सौंधापन थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं और प्याज से थोड़ा सा मतलब अच्छे स्वाद भी आ जाते हैं। काट रहे हैं और टमाटर धनिया का पत्ता काट लेंगे और देखिए जुगाड़ लकड़ी पे चाकू को रख कर उसके बाद काट रहे हैं। तो देसी जुगाड़ है और इधर गर्म हो रहे हैं चूल्हा पे। गर्म हो गया, थोड़ा जल भी गया, उतार दीजिए लकड़ी बर्बाद ऐसे जा रहे हैं। तेल लेकर आते हैं अभी दोस्तों, तेल लेकर चले हैं, अभी डालते हैं थोड़ा। देखिए गुड़िया जी तो तेल डाल दिए और उसके बाद प्याज डालिए, उसके बाद प्याज डाल दे रहे हैं। तो इसमें अगर रहता ये सरसों तो और अच्छे रहते, बट लहसुन इसमें थोड़ा डाल दे रहे हैं और बना रहे हैं। तो हम टमाटर को डाल देते हैं और प्याज ब्राउन हो गया है और धनिया का पत्ता नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। और देखिए सारे जो मसाले हैं जो कि लिए हैं और ये दोस्तों पीसते गए हैं, अभी सब सारे को निकाल लेंगे। मसाले निकालने के बाद दोस्तों इसी में भूनेंगे थोड़ा देर तक, जब तक वो पूरी तरह से पक न जाए एक तरह से मसाले। और उसके बाद डालेंगे ये मटर जो पीसे हैं और उसके बाद मिलाएंगे, उसके बाद झोर बन जाएंगे। तो आप लोग देखिए किस तरह से झोर बनते हैं और देखने में कैसे लगते हैं वो भी आप लोग देखिएगा हैं। और इधर इस सब को थोड़ा सा भूनेंगे और टमाटर को गलाएंगे और उसके बाद मसाले को डालने के बाद थोड़ा देर भूनने के बाद डालिए मसाला, और मसाला डाल दो तो थोड़ा देर तक दोस्तों भूनेंगे मसाले को। मिनट भुना गए हैं तो अभी दोस्तों इसमें मसाले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। इसी मसाले वाले कटोरा में हम पानी डाल देते हैं, उसके बाद हम मटर को हम पानी में धोलते हैं, उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे। तो देखिए हम इसे भून लेते हैं मटर को, तो घोल कर डालेंगे हम मसाला में। पहले धनिया का पत्ता डालते हैं, उसके बाद हम मटर का जो घोले हैं वो डालेंगे। तो वैसे हम धनिया का पत्ता को भून लेते हैं थोड़ा देर तक। तो हम डालते हैं मटर का घोला हुआ डाल दिए और देखिए कैसा हो गया। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हाँ हम कैसे बना रहे हैं मटर का झोर, और आप लोग कैसे बनाते हैं जरूर बताइएगा। हम तो इसी तरीके से बनाते हैं। नमक डाल देते हैं और देखने में तो अच्छा लग रहा है, और आप लोग बताइए कि कैसा है। अगर खालो तो इसका मस्त लग रहा है देखने में, और आप लोग जरूर बताइएगा। झोर बन गए हैं तो अभी लेकर चलता हूँ अंदर रूम में, और गुड़िया जी विराट को लिए हुए हैं तो इसे ढक देंगे फिर यहाँ ला करके। तो फाइनली हमारा जो कि झोर है वो रेडी हो गया है। ये देखिए सुगंध तो बहुत अच्छे आ रहे हैं गुड़िया जी। तो दोस्तों आप लोग देखें किस तरह से मटर का झोर बनाएं, और गुड़िया जी अभी कपड़े वाश कर रहे हैं वहाँ कल पे, और उसके बाद कपड़ा वाश करने के बाद खाना खा लेंगे। तो चलिए आप सभी को दिखाता हूँ। चीकू देखिए सॉक्स खोल रहे, चलो मम्मी के पास चीकू, चलो सॉक्स भी खिंचा लेना, साफ करवा लेना। कपड़े वाश कर रहे हैं खाली पैर क्योंकि यहाँ पे धूप निकले हुए हैं ना इस चलते, और अभी अपना खुद का कपड़ा वाश कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये ब्लॉग आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस ब्लॉग को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में। और अभी यार ये चीज उधर सॉफ्ट लेकर लाओ लाओ खिंचवा देते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।